कि ये युग है, ये एक टेक्नोलॉजी का युग है। आज हम उसी युग और उसी टेक्नोलॉजी की वजह से इस मंच पे एक साथ आए हैं। और मेरी सबसे पहले मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से राजू भाई तेली ज्ञानगढ़ से हुई। आपके बीच में लाने वाला पहला व्यक्ति मुझे राजू भाई तेली ज्ञानगढ़ है, जो हम एक सोशल मीडिया पे मिले थे और फिर हम एक ग्रुप में जुड़े जिसका नाम है अखिल मेवाड़ तेली परिवार। इस परिवार में हमने साल भर पहले एक चर्चा की थी जिसमें महेश जी थे, ईश्वर भाई थे, सुरेश जी थे, प्रेम जी थे, कैलाश जी थे, मोहन जी थे, मुकेश जी थे, बहुत युवा साथी, हम इस पे बहुत बात करते हैं। तो हमने एक दिन ये कहा और ये विचार रखे, क्यों ना हम इस ग्रुप के माध्यम से एक मिलन समारोह करें, वो भी अपनी निजी जेब से। समाज पे बाहर नहीं आना चाहिए, अपनी जेब पे चाहे आ जाए लेकिन समाज पे हाथ नहीं आना चाहिए, नहीं बाहर आना चाहिए। और हमारा और मेरा एक ही सपना है कि सबसे पहले भीलवाड़ा जिले में एक छात्रावास का निर्माण हो। अगर आप सबका सहयोग रहा तो हमारा लक्ष्य, मेरा, राजू भाई तेली ज्ञानगढ़, ईश्वर भाई और डॉक्टर साहब जिनका मैं शुभ नाम तो नहीं जानता, सुरेश भाई, हम सब इसको दिसंबर में तैयार करने की कोशिश है। वो किस प्रकार होगा, समाज पे भार नहीं होगा, भार होगा राजनेताओं पे और विकास होगा तेली समाज। वो किस प्रकार होगा, जो हमें छात्रावास में सहयोग देगी, जो पार्टी 70 नेताओं को टिकट मिलेंगे बीजेपी को, 70 मिलेंगे कांग्रेस को, जो नेता हमें 50,000 छात्रावास बनाने के लिए देंगे वोट उसी को देंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो। हमें हमारी समाज का विकास चाहिए, हमें हर हाल में एक छात्रावास का निर्माण करना चाहिए जिसमें बच्चे तो सर्व समाज के पढ़े लेकिन तेली समाज के बच्चों को शिक्षा मुफ्त में मिलना चाहिए और जो और समाज के बच्चे उनसे फीस लिया जाए ताकि स्कूल का जो खर्चा है छात्रावास का वो और समाज के बच्चों से निकाला जाए और अपनी समाज का विकास एक नई पीढ़ी की ओर ले जाया जाए। दूसरी बात, हमारी समाज में एक कमी बहुत बड़ी है, वो है टांग खींचने, बहुत बड़ी है। और मैं प्रेम जी से कहना चाहूंगा आज इस मंच पे, प्रेम जी अब आप थोड़ा धैर्य रखें। जैसे मैंने एक कार्यक्रम देखा, एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई तो इसी प्रकार 20 तारीख का सूरत में हो गया। ये नहीं होना चाहिए था, और होना चाहिए था तो इसमें वक्त रहना चाहिए था, विरावर नहीं, ताकि हमारी जनसंख्या बढ़ सके, हमारी एकता। मेरा सपना यही है, हम 14 करोड़ भारत में है, 76 लाख राजस्थान में है, ये गूगल बताता है। और मैं बड़े बूढ़ों से पूछता हूं तो 56 लाख तेली राजस्थान में पाए जाते हैं। अगर हम 56 लाख है तो हमारी बदनसीबी देखिए कि राजस्थान में हमको एक भी टिकट नहीं दिया किसी भी पार्टी। और मेरा सपना ये है 10 बीजेपी से लिया जाए और 10 कांग्रेस से लिया जाए, कम से कम 10 विधायक तो विधानसभा में तेली बिठाए ताकि हम हमारी बात रख सके। सर्व समाज और अदर समाज को देख के तो सीखो कम से कम। अब टांग खींचने का वक्त नहीं है, हाथ पकड़ के खींचने का वक्त है ताकि समाज आगे जा सके। हम इतने पिछड़ गए कि हमसे पिछड़ा वर्ग शायद भारत में अब कोई और समाज नहीं है। ये मेरी सोच कहती है, एक भी नहीं है। सर्व समाज, कोई सी भी समाज उठा के देख लिए, सबके विधानसभा में विधायक मिलेंगे लेकिन तेली का एक भी विधायक नहीं है। और राजनीति में राजस्थान में तेली समाज का नाम रोशन करने वाला मेरा भाई राजू तेली ज्ञानगढ़ को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिनने पूरी तेली समाज का मान सम्मान रखा। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आइए राजू भाई, ये वो होनार है और हम दो और तुम सब, हम सब मिलके भीलवाड़ा में एक छात्रावास का निर्माण करने का संकल्प लो और दिसंबर में उसी टारगेट पर नेताओं को बना के वो छात्रावास हमें दे, इसलिए मजबूर करना हमारा काम है। आपका सहयोग चाहिए, बोलो साथ हो।
लेकिन हमें छात्रावास बनाना इस जमाने में, मैंने देखा बाड़िया की माता जी के राजू राम जी महाराज के गया था वहां देखा, 10 लाख रुपए समाज के रखे हुए, 30 लाख हम नेताओं से लाएंगे, 35 लाख हमारा वादा है अगर आप सबका सहयोग और साथ रहा तो, 50 लाख रुपए में एक अपर सुंदर सा अच्छा सा अपने बच्चों का भविष्य के लिए एक छात्रावास का निर्माण कर सकते हैं। बाकी बचता है तो 11,000 रुपए में भीलवाड़ा समाज को मेरी तरफ से देता हूं छात्रावास बनाने के लिए। मुझे चंदा लेने का शौक नहीं है, समाज के विकास का शौक है। मैं जेब से समाज सेवा करना चाहता हूं, समाज की जेब से नहीं। और मैं हर व्यक्ति को यही कह रहा हूं, समाज सेवा करने का शौक रखो तो अपनी जेब से करना, समाज में पर्ची काट के समाज सेवा मत करना। और जो ये समाज का पैसा टुकड़ों में हजारों जगह बटा हुआ, हमारा 10 लाख का पड़ा हुआ, कोटा में 27 संगठन है जिनके पास कम से कम 5 करोड़ रुपए समाज के पड़े हुए, लेकिन अपने अपने संगठन में जमा करके बैठ गए। जैसे वो बड़े लोग कहते हैं ऊत पूंजी, समाज के पैसे को ऊत पूंजी बना दी कुछ समाज के ठेकेदारों ने, जिनसे हम युवाओं को लड़ना होगा क्योंकि हमारी समाज का विकास का पहिया रुक चुका है। हम चाहते हैं हमारी समाज जल्द से जल्द तरक्की करे और 2024 में कम से कम 10 विधायक विधानसभा जयपुर में हो। ये जब संभव है, जब हम सब भेदभाव खत्म करके एक मंच पे आ जाते हैं तो, और आना होगा, समाज का विकास हमें करना होगा। आज एक तेली अनुमान लगाइए, एक तेली को विश्व नहीं रोक सका तो 14 करोड़ तेलियों को कोई नहीं रोक सकता अपनी तकदीर बदलने से। अब मैं यही कहना चाहूंगा दो शब्द, यहाँ राजू भाई ज्ञानगढ़ भी बोले समाज के विकास का, राजू भाई नहीं राजू भाई दो शब्द, आपसे उम्मीद है समाज को कि आप पर जरूर करें, नहीं इस पर दो शब्द आपके अति आवश्यक है समाज के विकास के। राजू भाई ज्ञानगढ़ के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। राजू भाई एहसान कह रहा है कि पार्टी को भाषण में तो वो पार्टी को भाषण दे सको कांग्रेस का लिए, और समाज का बारे में कई कहना जो मन ठाने पड़े, जो एक कोई भी पार्टी में जाए आज ये आगे आए पार्टी का महीने, पार्षद वेणी, एमएलए वेणी, सांसद वेणी, जो भी मंत्री संतरे कई भी वेणी आगे, तो यानी समाज को सपोर्ट तो मेली, तो समाज को सपोर्ट ले पाता लिए समाज के आशीर्वाद की जरूरत है। और समाज को आशीर्वाद कभी मिले यदि समाज ने संबोधे और समाज ने कई फायदे हुए हैं। समाज को कोई आदमी अगर पॉलिटिशियन में राजनीति में कटे भी आगे जावे तो यूं समाज ने कई फायदे हुए। आप शॉर्टकट में अत्रो की राजू भाई ने पूछ ला, आप और ज्यादा कहीं ना पूछा, समाज ने कई फायदे, समाज को कोई भी बंदो आगे जावे तो। राजू भाई ये चाहते हैं जो 35 लाख का समाज के लिए टारगेट खड़ा किया है वो इसी बंदे ने किया है, ये जिम्मेदारी ली है इन अपने कंधों पे समाज के लिए 35 लाख का टारगेट खड़ा करना, वो भी समाज से नहीं नेताओं से, सिर्फ हमें इनका साथ देना है वो भी दिल से, टांग पकड़ के नहीं हाथ पकड़ के आगे भेजना भाई को और समाज का विकास लाना है। आपका सहयोग चाहिए इसी 2019 में हम वादा करते हैं, लेकिन आपके सहयोग के बगैर हम अधूरे, जब आपका सहयोग हमें मिलेगा हम वादा करते हैं हर नेता से 50,000 रुपए लाएंगे, ये हमारा वादा। राजू भाई तेली ज्ञानगढ़ को आपको शायद ध्यान नहीं होगा, जयपुर में राहुल गांधी जी ने सम्मानित किया था, अशोक गहलोत जी ने इनको राजस्थान में नंबर बनाने पर और भारत पे 8 नंबर आने पर सम्मानित किया था, भारत में दूसरे नंबर और राजस्थान में पहले नंबर। तो हमारा तो यही सपना है कि सबसे पहले भीलवाड़ा में एक छात्रावास बनाया जाए
उसमें 35 लाख की जिम्मेदारी राजू भाई तेली ज्ञानगढ़ ने लिए, वो नेता उसे लाने। अगर समाज में ऐसे होनहार बच्चों को हम साथ नहीं देंगे तो बताओ समाज का विकास कैसे होगा। अति आवश्यक है हमें अब एक साथ रहना, एक मंच पे आना। संगठनों में कुछ नहीं रखा, संगठनों से लड़ने के लिए मैंने खुद ने एक संगठन बनाया, तेली युवा महापंचायत राजस्थान। सिर्फ उन्हीं ठेकेदारों से लड़ने के लिए जो समाज का पैसा लेके बैठे, ऑनलाइन हिसाब देना ही होगा। पैसा समाज का है, ब्याज कोई वो अपना घर चला रहा है, ये कहां का न्याय है। घर घर जाके पर्ची काटी, जैसे अभी ईश्वर भाई ने बताया कि डॉक्टर साहब ने 50,000 बाड़ा जी माता जी के दिए थे उस धर्मशाला बनाने, मातृ कुंडिया दिए थे, तो इनने दिए, इनका तहदिल से धन्यवाद। इनने किसके लिए दिए? समाज के विकास के लिए। लेकिन कुछ लोग, मैं ये नहीं कहता कि इनका पैसा, सर्व समाज के पैसे का मिस यूज कर रहे हैं और ब्याज अपनी जेब में धर रहे हैं। पैसा समाज का है और घर किसी एक का चल रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा, चंदा देने से पहले, चंदा जो आपके पास लेने आ रहा है उससे पहले ये पूछिएगा हिसाब कब और कैसे और कहां देगा। हिसाब ये उनकी कमजोरी, हमारी कमजोरी, हमारी कमजोरी से ही समाज डूब रहा है। हम दे देते लेकिन ये कभी भी नहीं पूछा कि हमारा पैसा कहां काम आया। पूछा है किसी ने? एक ने भी नहीं पूछा। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, हमें इसी कमजोरी को ढाल बनाना होगा। यही पूछना है, भाई तू मेरे से 5,000 तो ले जा रहा है लेकिन ये पैसा कहां लगेगा, किस काम में लगेगा, कितना लगेगा, कितना बचेगा, ये हिसाब कब और कैसे और कहां देगा, पहले ये पूछो। जब आप पैसा और चंदा डोनेशन दे सकते हो, आपको पता नहीं हमारे दिए हुए दान से हमारा ही समाज हजारों हाथ पीछे चला गया, क्योंकि हमने हिसाब मांगा नहीं। सामने वाला टेंशन करके नाम खाते का डाल देता। आपको मैंने ये बात जब एक ग्रुप में रखी थी राजू राम जी महाराज वाले ने, एक समाज के व्यक्ति ने मुझे फोन करके कितनी गालियां दी लेकिन मैंने उसको एक भी शब्द नहीं बोला। उसके नंबर मैंने सुरेश भाई को दिए थे, ये गवाह बैठे। कम से कम 10 व्यक्तियों को यह पता है कि मेरी माँ बहनों की गाली मेरे उस व्यक्ति ने निकाली थी, सिर्फ क्या कहने पर कि आप समाज के पैसे का ब्याज मत खाओ, समाज के विकास में लगाओ। क्या गलत कहा था मैंने? पैसा समाज का था। अब वो कहता है कि आप बाहर के हो, आप बाहर के होते कौन हो समाज हमसे हिसाब मांगने वाले? मैं बाहर का नहीं हूं, मैं भी तुम्हारे ही वंशज की कोई औलाद हूं। तो मेरा तो यही निवेदन है, अपना चंदा देने से पहले अपने विकास का पहिया थमना नहीं चाहिए। हिसाब सर दूसरी बार देने से पहले मेरा रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के देना, दिल खोल के देना, 50 नहीं 50 करोड़ देना, लेकिन हिसाब की गुजारिश जरूर करना, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती हमारे समाज को 500 साल पीछे भेज देती है। हम ये चाहते हैं अगर इस दबाव को आप यूज करोगे तो हमारा समाज बहुत जल्द तरक्की करेगा। नेताओं से, सरकार से हम लड़ेंगे आपके लिए, जेल जाएंगे हम जाएंगे, गोली खाएंगे हम खाएंगे। शायद आपको पता नहीं होगा, मैं आज सबके सामने भरे मंच पे कह देता हूं, मैं आरएसएस का आदमी हूं, बीएमएस से जुड़ा हूं, जयपुर शहर का अध्यक्ष हूं। वसुंधरा ने एक बार मेरे सामने गलती की थी, मैंने आधे घंटे में वसुंधरा को नीचे सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने देखा लोकतंत्र में ताकत है, लेकिन वो ताकत जब ही काम आ सकती जब हम एक साथ है। टुकड़ों में कभी भी काम नहीं आ सकती, टुकड़ों में तुम्हें कोई भी खा जाएगा। ये नहीं कि कोई भी सूरज जी के संग घटना घटी, मैं देख के चला गया, बोला अपना दुश्मन करने दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने सोचा होगा किसी भी गुर्जर से झगड़ा करके देख लेना, 100 कोस का भी गुर्जर जा रहा होगा और उसको ये पता चल गया होगा कि ये गुर्जर से झगड़ा हो रहा, तो 100 कोस का गुर्जर उसके साथ लड़ने को खड़ा हो जाएगा। फिर तेली क्यों नहीं? क्या तुम्हारी बात जो में पानी है फिर नहीं? तुम्हें भी खड़ा होना है, अपने हक के लिए लड़ना है, और मैदान में शेर मरते कुत्ते नहीं। हम भी बामा साहू की औलाद है, उन्हीं की औलाद है,
हमारे पूर्वजों ने महाराणा के लिए सारे तहखाने खोल दिए थे, याद होगा, इतिहास आज भी कहता इस बात का गवाह है। कहीं ना कहीं विज्ञान में भी तेली समाज का हाथ है। विज्ञान को पैदा किसने किया? 53 ने। सारी समाज, यहां तक कि 52 और बनिया और 52 दम लगा के मर गए थे, लेकिन तेल नहीं निकाल पाए थे। तेल को पैदा करने वाले हम, और जो किसी से नहीं हारा, या तो बजरंगबली से हारा या तेली से हारा, उस शनि को झुकाने वाला भी हम। एक कहावत और सुनोगी, कहा राजा भोज कहा गंगू तेली। राजा भोज को भी घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया था, ऐसा था हमारा पूर्वज गंगू तेली। क्या राजा भोज को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, ऐसे थे हमारे पूर्वज गंगू तेली, उसी की औलाद है। और हमारा इतिहास पंडितों ने इस प्रकार दोहराया है कि हम ये सरनेमों में क्यों बटे, आपको शायद पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं आप लोगों को क्यों बटे। क्योंकि पंडितों ने एक षड्यंत्र रचा था हमारी समाज के खिलाफ, हमें इस प्रकार, हमारी समाज को इस प्रकार बताया गया कि तेली का तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है, जबकि आज विश्व में राज करने वाला, नंबर वन पे आने वाला एक तेली नरेंद्र भाई मोदी है। भारत का विकास में अहम भूमिका निभाने वाला एक तेली है। तो ये सब हमको, इसीलिए ये हमारे पूर्वजों की कमजोरी रही कि हमारा इतिहास पंडितों ने तोड़ मरोड़ के दोहराया था। उसमें हमारे, हो सकता है उनको शर्मिंदगी महसूस हुई हो, शर्म हो, किसी ने मोदी लगाया, किसी ने साहू लगाया, किसी ने राठौर लगाया, किसी ने घाची लगाया। मैं तो यही चाहता हूं कि सब भाई सिर्फ तेली लगाए, गर्व से कहे मैं तेली, मैं भी तेली हूं। तेली कहने में कभी भी शर्म नहीं आना चाहिए। अरे गर्व से कहो, विज्ञान को पैदा करने वाला एक तेली है। भारत का विकास, चार चांद लगाने वाला नरेंद्र भाई मोदी भी एक तेली है। भारत के 14 करोड़ तेली जिस दिन एक झंडे के नीचे आ गया तो विश्व में राज तेली राज होगा। तेली राज एक ही राज होगा, क्या होगा? गर्व से कहो क्या होगा? तेली राज। और यही सपना मेरा तेली राज। मैं आप लोगों के लिए आज एक अनाउंस कर देता हूं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा, मैं 12 महीने के लिए तेली समाज के लिए मेरा ग्रस्त जीवन त्याग कर भ्रमण करूंगा भारत। जो मेरे एक बच्चा 4 साल का है, 11 साल का है, 16 साल की लड़की है, और बहुत जल्द मैं परिवार को त्याग कर आप लोगों को एक करने के लिए 12 महीने भ्रमण करूंगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, पलट के ग्रस्त में 12 महीना पहले नहीं जाऊंगा। आपको आना है नहीं आना वो आपकी सोच है, लेकिन बलिदान पहले मैं दूंगा। जब आप मेरे पीछे चलोगे, मुझे पता है उससे पहले आप लोग नहीं चलोगे। अब मेरी बात मैं यहीं खत्म करता हूं, और राजू भाई के लिए एक बार सभी भाइयों को ताली बजाए। और मैं राजू भाई से यही निवेदन करना चाहूंगा, हे राजू भाई, जो अपन ने टारगेट रखा उसको पूरा करो। इनकी तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं, इनका वोट मैं उसी नेते को दिलवाऊंगा जो मेरी समाज का विकास करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, मुझे मेरी समाज का विकास चाहिए, ओनली फॉर समाज का विकास। जय श्री राम। एक बार कहो जय तेली, जोर से कहो, क्या तुम तेली भी नहीं हो क्या? जय तेली। राजू राम जी महाराज की। एक बार जोर से बोलो कि गुजरात का सीने भी ये कहे कि हाँ, राजस्थान में कोई वीर पैदा हुआ था, कोई संत पैदा हुआ था। गर्व से कहो राजू राम महाराज की, राजू राम महाराज की, जय श्री राम। अब मेरी बात मैं यही समाप्त करता हूँ, और स्टेज पे ईश्वर भाई मोदी को